राम राम जी, मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी और आप अभी देख रहे हैं लहरे चैनल पे मुझे, तो प्लीज देखते रहें। हेलो गौरी, वेलकम टू लहरे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। सो कैसा रहा घर में आपका सफर? अच्छा रहा, काफी मजेदार और इमोशनल सब कुछ रहा, ड्रामा एक्शन सब कुछ देखने को मिला, पर मजा आया। जैसे कि आपने कहा घर में ड्रामा एक्शन सब कुछ देखने को मिला, तो एक्शन सबसे ज्यादा कौन सा एक्शन पसंद आया आपको? मेरा खुद का डांस स्टेप। और उसके अलावा घर में सबसे ज्यादा किसके क्लोज हुए आप? ये खैर दुखती नस पे हाथ लगा ही रहे हो, एम से स्टेन से मैं सबसे ज्यादा क्लोज रही, लास्ट में उसी से मेरी सबसे ज्यादा बिगड़ के आई है। घर में कहीं ना कहीं देखा गया साजिद खान के साथ भी आपका काफी झगड़ा हुआ, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो झगड़ा तो हुआ क्योंकि अब उनके पास कुछ और था नहीं मेरे अलावा, तो उनको यही लगा कि चलो इससे ही झगड़ा कर लेते हैं। सो घर में जो सफर आपने तय किया, क्या अंदर जाने से पहले आपको पता था कि कुछ ऐसा आपको हिंट भी दिया कि घर में जाने के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल मैं कुछ भी सोच के नहीं गई थी, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखने गई थी वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। तो घर के बाहर आने के बाद आप मिस किस चीज़ को सबसे ज़्यादा कर रहे हो? बिग बॉस की आवाज़। बस बिग बॉस की आवाज़? और बाकी कंटेस्टेंट की बात करेंगे तो किसे मिस कर रहा? मैं भूलना चाहूंगी। मतलब आपका ऐसा कहना कि आप घर से बाहर आने के बाद दोस्ती भी नहीं करोगे, जब सारे बाहर आ जाएंगे तो मिलना जुलना नहीं? वो बाहर आएंगे तब कर लेंगे ना, ओनली एक ही है सौंदर्या, उससे बात कर लूंगी मैं। और बात करेंगे अब की, जो सबके क्यूट कंटेस्टेंट बने हुए हैं, उन पर क्या रिएक्शन है आपका? वो क्यूट है और वो क्यूट ही बन के रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर वो गुस्से वाला अपना दिखाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि उसको पसंद करेंगे कोई। So, आपको क्या लगता है गौरी, आप घर से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? आप किसको ब्लेम देना चाहोगे? वैसे इतना जल्दी तो नहीं है, 40 दिन हो चुके हैं, तो ये कम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अकेले एक पल भी नहीं रह सकती हूँ और मैं एक दिन भी अकेले नहीं रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको घर में वापस जाने का मौका मिला तो आपका जवाब क्या होगा, और मतलब कितने एक्साइटेड हो आप घर में जाने के लिए? पहली बात तो मैं अकेले नहीं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो सन्नी के साथ जाऊँगी और फिर मैं फुल वाट लगा दूंगी सबकी। अगर आपको अकेले ही जाने का मौका मिलेगा सन्नी के बिना, तो फिर आप? फिर नहीं जाऊंगी मैं। मतलब आप ऐसा बोल रही हैं कि मतलब घर में 40 दिन बिताया हुआ वक्त आपको मजा नहीं आया? हाँ, मजा भी आया भी नहीं भी, दोनों चीजें हैं। तो मतलब अगर एक चीज पे अगर आपको खड़े रहने बोलेंगे, एक चीज पे अगर आपको रहने बोलेंगे, मजा आया या नहीं, तो क्या बोलोगे आप? ऐसा तो मजा आया, फिर बाद में मैंने खुद नहीं एंजॉय करना बंद कर दिया। तो अगर आपको घर के बाहर जब सारे कंटेस्टेंट आ जाएंगे, ऐसे लोगों का नाम बताओ जिससे आपको रिश्ता रखना है। तीन? हाँ। अब्दू, सौंदर्या, अर्चना। ओके। और घर में अगर बोला चाहेगा कि मास्टरमाइंड कौन है फिलहाल इस वक्त घर के अंदर? हाँ। शिव। ओके। टॉप 5 कंटेस्टेंट के रूप में आप किसे देख रहे हो? शालीन, शिव, प्रियंका और साजिश सर अब्दू। सो जैसे कि आपने खुद घर में थे, आप जब शिव और प्रियंका के अर्चना के बीच में झगड़ा हुआ था, तो आपको क्या लगता है उसमें शिव सही थे या अर्चना सही थी, आप किसका सपोर्ट? मैं अर्चना को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उसने मना किया था मेरे सामने कि मेरे को पर्सनली तू इन चीज़ों के बारे में मत बोल, तो फिर भी उसने बार बार वही चीज़ बोली और फिर उसके बाद तो सबको पता है क्या हुआ। अगर अर्चना की जगह आप रही होती शिव के सामने, तो आप क्या की? मैं उसके तरह ही उसको जवाब देती अगर इतनी बात पहुंच जाती तो, क्योंकि मैंने एक बार सुन के इसलिए रखा क्योंकि मैंने सोचा ये दोस्त है, मैं देखना चाहती हूँ ये किस लेवल तक गिरता है, और आखिर में वो गिरा और उसने मेरे माँ बाप के लिए मुझे बोला कि ऐसी लड़की को पैदा किया ये वो, तो इससे इंसान की पता चलती है कि आपकी सोच क्या है, और मैंने इन दिनों में यही चीज़ देखी थी उसमें कि वो सबके पर्सनली माँ बाप पे या किसी को किस चीज़ की वो पर्सनली जा रहा, बहुत गंदा खेलने लग गया वो इस चक्कर में। ओके। सो अगर शिव से अगर सपोज अगर आप शिव के साथ आपकी भी कैसे शुरुआत में शिव के साथ आपकी भी काफ़ी बनी थी? हाँ, तब मुझे वो सही लगता था, जब वो सही लगता था तब मैं उसके साथ खड़ी थी, जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब ये सही नहीं चल रहा है तो फिर मैं
साइड हो गई। और शो के होस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे सलमान खान के लिए? आई लव यू मामू ये भी बोल देती हूँ आगे। हाँ मैं उनको पहले तो दिल से धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करते रहे, और आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।